हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बार बार जो क्वेश्चन रिपीट किए गए जाते हैं वो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखनी, क्योंकि ये वीडियो आपकी MPPSC, MP पुलिस, MPPEB कोई भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि MP के बारे में ही टोटली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। चलिए मैंने किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है, मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है। अब क्रमबद्ध इतिहास जो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश का, वो किस काल से होता है? वो होता है आपका मौर्य काल से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल से प्राप्त होता है मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन और कसरावद के स्तूप तथा सांची एवं बरूप के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया है? उज्जैन कसरावद के स्तूप, सांची बरूद के स्तूप। ओके, तो देखिए, सांची जो है रायसेन जिले में आता है, बहरूद सतना में आता है, उज्जैन उज्जैन में आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके जो वंश किस वंश के शासक ने यहाँ पे इनका निर्माण करवाया है, तो इनका जो निर्माण करवाया है मौर्य वंश के शासक ने करवाया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए थोड़ा सा। फ्रेंड्स, यदि आप MPPSC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर डिस्कस आपने कर लिया है, उनको अच्छे से पढ़ लिया है, आप टेस्ट आप देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एक से एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, MP कॉन्स्टेबल, MP GK, MP करंट अफेयर, उसके साथ में MPPSC की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी टेस्ट सीरीज पर अभी 40% की छूट चल रही है, तो वहाँ पर जाकर आप MPPSC, MPSI और बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो कि परचेस कर सकते हैं। सभी पर 40% की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करना होगा, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहरूद के विश्व प्रसिद्ध स्तूप वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अब बहरूद के जो विश्व प्रसिद्ध स्तूप वर्तमान में किस जिले में है, तो ये है आपके बहरूद के जो स्तूप है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी सतना में। सतना में है बहरूद के स्तूप, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, प्राचीन काल के मेकल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, पहले जो क्षेत्र को मेकल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है अमरकंटक क्षेत्र के नाम से। ये भी आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। प्राचीन काल के मेकल क्षेत्र को वर्तमान में अमरकंटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं एवं तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है? उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है? देखिए, तिगवा जो है जबलपुर के अंतर्गत आता है और उदयगिरी जो है विदिशा में आती है। तो विदिशा, उदयगिरी की जो विश्व प्रसिद्ध गुफाएं की यहाँ पर बात की जा रही है, तिगवा यानी जबलपुर के मंदिरों की यहाँ पर बात की जा रही है। अब इनका जो निर्माण है किस वंश के शासकों ने करवाया है, तो इनका जो निर्माण करवाया है वो करवाया है आपके गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश याद रखिए थोड़ा सा, गुप्त वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यकाल में परमार वंश का शासन काल था। अब देखिए, मध्यकाल में जो परमार वंश का शासन काल था वो किस क्षेत्र में था, ये आपसे पूछा गया है। ये था आपका ऑप्शन नंबर डी मालवा। मालवा जो क्षेत्र है वो था आपका परमार वंश का शासन काल, यानी मालवा में ही था शासन काल इनका परमार राजा होगा जो कि यहाँ पे राज करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मध्यकाल की यहाँ पे बात की जा रही है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति था? अब देखिए, जेजाभुक्ति यहाँ पे जेजामुक्ति भी देखने को कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जेजाभुक्ति। ओके, तो इसका जो वर्तमान में किस क्षेत्र का नाम था, तो ये था आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसको जेजाभुक्ति का से न जाना जाता है। वो तो वर्तमान के किस क्षेत्र को, यानी बुंदेलखंड जो है इसको जेजाभुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा सिंपली भी आप याद रखिए, कहीं भी पूछा जाए तो आसानी से क्लिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यशोधर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक था? अब यशोधवर्मन जो था किस वंश का पराक्रमी शासक था, तो वो था आपका चंदेल वंश का। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोधर्मन, यशोधवर्मन जो है किस वंश का पराक्रमी शासक था, तो वो था आपका चंदेल वंश का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थापत्य कला का अनोखा नमूना खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के शासनकाल में हुआ? अब देखिए, जो खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण हुआ था किस चंदेल शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ये जो हुए थे
वो दंगदेव जो थे उनके शासनकाल में हुए थे, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था दंगदेव के, जो कि एक चंदेल शासक थे और इनके शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन में पूछा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस हिसाब से पूछा जाएगा, तो आपको दंगदेव ही करेक्ट आंसर इसका करके आना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अब आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर पूरा कंप्लीट है, एक साल का चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, आई बटन पर भी लिंक देने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश का पूरा एक साल का करंट अफेयर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, नवंबर दिसंबर का भी आपको जल्दी से देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो MPPSC MP पुलिस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे टेस्ट जो कि यहाँ पर करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजा भोज के द्वारा बनवाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है। अब देखिए राजा भोज ने जो सरस्वती मंदिर बनाया था ये कहाँ पर स्थित है, ये है धार में। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धार में स्थित है राजा भोज ने जो सरस्वती मंदिर बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी। अब देखिए मध्य प्रदेश में होलकर जो राज्य की स्थापना की गई थी कब की गई थी, तो ये जो की गई थी 1739 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी 1739 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। अब परमार वंश की जो स्थापना की थी वो उपेंद्र कलराज ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपेंद्र कलराज जो है इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी, यानी परमार वंश के जो शासक कौन है वो है उपेंद्र कलराज, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। अब नमक सत्याग्रह जो हुआ था मध्य प्रदेश में वो हुआ था आपका 1930 में, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1930 इसमें नमक सत्याग्रह जो कि हुआ था मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अशोक जो कि अशोक जो सम्राट अशोक थे उन्होंने विदिशा के सृष्टि की पुत्र से विवाह किया था, उनका नाम क्या था। अब देखिए विदिशा में इन्होंने विवाह किया था किनकी पुत्र से, सृष्टि की पुत्र से इन्होंने विवाह किया था और उनका नाम था महादेवी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक जो सम्राट अशोक थे इन्होंने विदिशा में किया था विवाह किया था, महादेवी जी से विवाह इन्होंने किया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को आपको मिला होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 1860। ओके 18 अप्रैल को यहाँ पर इनको फांसी दी गई थी 1860 में तात्या टोपे को। तो आप को आयुब की इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा पहले से, आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1860 में कहाँ पर किस स्थान पर इनको फांसी दी गई थी। आयुब का आप सभी को पता ही होगा, बट आप एक बार कमेंट में जरूर लिख के हमें बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राज्यों का सम्मेलन हुआ था। अब देखिए कब हुआ था ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए मध्य भारत का गठन करने के लिए जो मध्य भारत के जो राजा थे इन्होंने सब ने मिलकर एक सम्मेलन किया था। अब जो सम्मेलन कब हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1948 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1948 में इन्होंने सम्मेलन किया था ताकि मध्य भारत का गठन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर इंदौर तथा मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे ग्वालियर इंदौर और मालवा के साथ कितनी और रियासतों को मिलाया गया तब जाकर संयुक्त संघ बनाया गया, तो यहाँ पे 25 और रियासतों को मिलाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, तब जाकर एक संयुक्त संघ बनाया गया। आगे बढ़ते हैं राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया गया। अब देखिए राजगद्दी प्राप्त जब की थी अहिल्याबाई ने तो इनने कब उसके बाद में किसको इनका सेनापति नियुक्त किया था, तो कोजी होलकर को इन्होंने इनका सेनापति बनाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई अनन्य भक्ति थी। अब देखिए अहिल्याबाई किसकी भक्ति थी, वो थी शिव जी की यहाँ पर भक्ति थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयुब किसको तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सन 1817 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधिया रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई, उस समय राजगद्दी पर आसीन थे। अब देखिए 1817 में ग्वालियर की सहायक संधि जब हुई थी उस दौरान सिंधिया रियासत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई थी, ये इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। उस समय राजगद्दी पर कौन आसीन थे ये आपको बताना है। अब उस टाइम पे जो राजगद्दी पर आसीन थे वो थे आपके दौलत राव सिंधिया, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1817 में राजगद्दी पर कौन आसीन थे,
तो सिंधिया रियासत की, तो वो थे आपके दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन सी, याद रखिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठाया गया। देखिए महादजी सिंधिया द्वारा बैठाया गया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, यानी दोबारा से इसको दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया गया, तो ये बैठाया गया था 1772 में। बी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1772 में इसको यहाँ पे इन्होंने पूना यानी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया गया था, 1772 याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अहिल्याबाई होलकर द्वारा, होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को पर कितने वर्ष तक शासन किया। देखिए अहिल्याबाई होलकर द्वारा यानी अहिल्याबाई होलकर ने होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्र जितने भी थे उन पर कितनी वर्षों के इन्होंने शासन किया, तो इन्होंने टोटल 30 वर्ष तक शासन किया, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 30 वर्षों तक होलकर परिवार द्वारा, ये आपको याद रखना है, होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कितने वर्ष तक शासन किया गया, 30 वर्ष तक शासन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकरों के दर्शाया इंदौर में लगभग कितनी शताब्दी तक राज्य किया गया। अब देखिए होलकर जो थे उन्होंने इंदौर में लगभग कितनी शताब्दी तक राज्य किया, तो वो किया है 1 शताब्दी तक, दो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिए थोड़ा सा, 2 शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पे राज किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर, पेशवा बाजीराव के द्वारा 29 जुलाई 1732 को एक जो कि औपचारिक दस्तावेज द्वारा मालवा के जिलों का विभाजन किन के बीच किया गया, ये आपको बताना है। अब देखिए पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने 29 जुलाई 1732 को एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा मालवा के जिलों का विभाजन किन के बीच किया गया, तो ये जो किया गया था वो सिंधिया होलकर और पंवार तीनों के बीच में किया गया था, यहाँ पे ए बी सी तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट आपका रहेगा, यानी इन्होंने पेशवा जो बाजीराव थे उन्होंने 1932 को एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा मालवा के जितने भी जिलों थे कुछ जिलों के विभाजन के बीच, जो कि इनके जो विभाजन था उनको सिंधिया होलकर और पंवार के बीच में किया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1768 में सिंधिया राजघराने की राजगद्दी पर किसको दी गई। अब देखिए 1768 की यहाँ पर बात की जा रही है, सिंधिया राजघराने की राजगद्दी किसको दी गई, तो सिंधिया राजघराने की जो राजगद्दी दी गई 1768 में वो दी गई महादजी सिंधिया को, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादजी सिंधिया को यहाँ पे 1768 में सिंधिया राजघराने की राजगद्दी दी गई, तो यहाँ पे आप ये याद रखिए महादजी सिंधिया, क्योंकि सिंधिया राजवंश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश करें। यदि आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।